खुशहाल पक्षी कौन? एक कौवा था। वह अपनी मस्ती में हमेशा मस्त और खुश रहता था। एक दिन वह आसमान की सैर कर रहा था, तभी उसकी नजर एक हंस पे पड़ी। हंस को देखते ही कौवे ने सोचा, यह पक्षी कितना सुंदर और सफेद है, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह पक्षी ही दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी होगा। यह सोच वह हंस के पास गया। काव, काव, तुम कितनी सुंदर और सफेद हो। मुझे ऐसा लगता है तुम ही इस दुनिया के सबसे खुशहाल पक्षी हो। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने तोता को देखा तो मेरे भी सारे भ्रम खत्म हो गए। क्या तुमने तोता को देखा है? उसके दो रंग हैं, वो कितनी सुंदर है। हंस के बात सुन कौवा तोता के पास गया। तुम कितने सुंदर पक्षी हो, तुम इस दुनिया के सबसे खुशहाल पक्षी हो गए। तब तोते ने कहा, नहीं कौवा भाई, ऐसा नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने मोर को देखा तो मेरे भी सारे भ्रम खत्म हो गए। क्या तुमने कभी मोर को देखा है? पता है कौवा भाई, जब मोर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो उसके पंख में हीरे जवाहरात जड़े हो। मुझे ऐसा लगता है मोर ही इस दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी है। फिर कौवा मोर के पास पहुंचा। सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम ही इस दुनिया के सबसे खुशहाल पक्षी हो। यह सुनते ही मोर ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी सुंदरता का क्या करना, आज इसी सुंदरता के कारण लोग मुझे जू में बंद रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कौवा ही इस दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी है। फिर कौवे ने कहा, अब मुझे समझ आ गया है, किसी की किसी से कोई तुलना नहीं है, सबकी अपनी अपनी खासियत है। कौवा खुशी खुशी आसमान के सैर करने लगा।